इस तरह की नौकरी मैं कभी नहीं करना चाहती थी जिसमें मेरे बच्चे को कोई और पाले या मुझे दो चार हेल्पर्स रखने पड़े। उससे बेहतर है, मुझे लगता है कि अगर आपको बहुत अर्जेंसी ना हो तो फिर आप अपने घर को ही टाइम दीजिए। इन फ्यूचर इतने सारे स्कोप हैं, अगर आपके पास नॉलेज है, इतने सारे स्कोप हैं, तो आप इन फ्यूचर भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। एज तो एक बार है, और जब गवर्नमेंट वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है, और जूनियर सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? हम लोग अच्छे हैं, और रोज का ये रूटीन हो गया है कि इस टाइम तो मौसम बहुत ही प्यारा सा रहता है, लेकिन शाम के टाइम मतलब करीब करीब 5:30-6 बजे के टाइम से ही बहुत तेज आंधी तूफान सा आता है। एक दिन तो बहुत तेज बारिश हुई, कल बहुत हल्की फुल्की बारिश हुई, लेकिन आंधी बहुत तेज थी। तो मैंने तो कल पहले ही सबसे पहले अपने गमले जो है आड़ में रख दिए थे, वही कि अब बाकी के बचे हुए ना टूटे, और जो टूट गए हैं उनको रिपेयर करने के बारे में थोड़ा सा सर्च किया है यूट्यूब पे। लेकिन यही है ना कि अब एक बार जो प्लांट जो पौधे फट गए हैं, टूट गए हैं, एकदम पत्तियां अलग हो गई हैं, अब वापस से तो उनको नहीं जोड़ा जा सकता। और लेकिन यह है कि उनको अगर फिर से हम वापस मिट्टी में लगा देंगे तो शायद बारिश के मौसम में वो फिर से पनप जाएं। और वैसे भी बरसात का मौसम ऐसा होता है ना दोस्तों कि बहुत अच्छा अंकुर निकलता है बीज में से। आप लोगों ने देखा होगा जो लोग स्प्राउट वगैरह खाते हैं, तो नॉर्मली तो बहुत टाइम लग जाता है उनमें अंकुर निकलने में, लेकिन बरसात के दिनों में अगर आप सुबह फुलाएं और शाम को पानी निकाल के उसे पोटली में बांध के अगर रख दे, चना मूंग वगैरह, बहुत जल्दी उनका अंकुर निकल आता है। और मैं तो पोटली वोटली भी नहीं बांधती हूँ, मैं तो सीधे बस निकाल के जाली से ढक देती हूँ, इतने बड़े बड़े अंकुर निकल आते हैं। तो अच्छा लगता है बारिश के दिनों में स्प्राउट, और मैं बहुत सारी रेसिपी जो है ना स्प्राउट से भी बनाती हूँ, क्योंकि हेल्दी फूड होता है। हालांकि जब से मुझे चना वना खाने को मना हुआ था, तब से मैं केवल मूंग यही जो है साबुत मूंग जो है उसी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करती थी। और बीच में मैंने गेहूं का भी इस्तेमाल करना शुरू किया था, किसी ने बताया था कि हीमोग्लोबिन भी अच्छा रहता है, बहुत फायदा करता है, तो मैंने करना तो शुरू कर दिया। लेकिन मुझे ना उससे थोड़ी सी कफ की प्रॉब्लम हो गई थी, हल्का सा मुझे लगा कि वो ना मेरे कफ को बढ़ा रहा है। जिन लोगों की शीत की प्रॉब्लम होती है उनको ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ आपको गर्म कर रही है, कौन सी चीज़ आपको वात बना रही है मीन्स गैस बना रही है, और कौन सी चीज़ जो है कफ वगैरह इनको इंक्लूड कर रही है। जैसे दूध पनीर इन सब चीज़ों का जो होता है ना डेयरी प्रोडक्ट, इनसे आपकी पित्त प्रवृत्ति बढ़ती है। तो कुछ चीज़ों को मैंने समझ लिया है, और मेरी तासीर जो है वात वाली भी है और कफ वाली भी है। पित्त उतना मुझे प्रॉब्लम नहीं करता है, लेकिन वात और कफ से तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो ठीक है, अपनी तासीर को समझ के, मौसम को समझ के मैं अपना खाना पीना चेंज करती रहती हूँ। परहेज तो मेरा एज इट इज चल रहा है, और वो चलता रहेगा कंटिन्यू, क्योंकि मुझे जो है जितना आराम परहेज से मिलता है ना उतना मुझे खा पी के नहीं मिलता था। खाने के बाद आप नागिन डांस कर रहे हो पेट पकड़ के, या गैस की प्रॉब्लम आपको कहीं भी हो रही है, मतलब चेस्ट में हो रहा है, कभी हैंड में हो रहा है, कभी पीछे पसली में चला गया, कहीं भी दर्द उठ जाता है, आप समझ नहीं सकते कि उस दर्द को कैसे निकालें क्या करें। तो मैंने तो सोचा कि ठीक है परहेज करेंगे। कभी कभार थोड़ा सा चटरपटर भी खाती हूँ, तो 2-3 टाइम मैं फिर खिचड़ी दलिया इस पर शिफ्ट हो जाती हूँ बिना किसी के कहे। हालांकि मेरे घर में सब लोग बोलते हैं कि इतना उबला उबला खाती हो, ताकत कहाँ से आएगी। क्योंकि मैंने एक दिन बोला कि मैं ऐसे मोबाइल पे कमेंट्स का रिप्लाई कर रही थी लेट के, तो मेरे हाथ जो है ना सुन्न से पड़ गए। मुझे थोड़ी देर बाद ऐसे ऐसे करना पड़ा कि इसमें जान है कि नहीं, एकदम ऐसे सुन्न टाइप के पूरा यहाँ से लेके कोहनी तक मेरा हाथ हो गया था। तो मैंने बोला घर में, भाई कुछ होता है तो मैं जरूर बता देती हूँ। तो सब कह रहे थे जब तुम कुछ खाते पीते नहीं हो भैया तो यही होगा, कहीं कुछ तो थोड़ा सा और फल फ्रूट्स शामिल करो, पपीता 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 बस खाती हो कभी कभार, और बाकी और कुछ है नहीं। तो मैं उन लोगों को यही बोलती हूँ कि कुछ खाने के बाद जो मुझे प्रॉब्लम होगी उसका समाधान कौन करेगा, आप तो सब जानते हैं। तो फिर मैं ढूंढती हूँ हमेशा ना, मेरे सर्च लिस्ट में होता है कि मैं और क्या क्या खा सकती हूँ, कौन कौन सी चीज़ें मुझे नुकसान नहीं करेंगी, और अगर नुकसान करती है तो उसकी क्या रेमेडी है, ये सारी चीज़ें मैं सर्च करती रहती हूँ। तो मेरा ऑलमोस्ट टाइम जो है वीडियो 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 में बीतता है। एक बार बातें बोलना शुरू होती हूँ ना तो फिर चुप ही नहीं होती, मुझे टाइम का ध्यान ही नहीं रहता है। एक्चुअली मैं बीते कुछ व्लॉग्स में, कुछ लोग जो नए जुड़े हैं वो चाहते हैं कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ, हालांकि मैं ना कहाँ से हूँ वो तो मैं व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में ही डाल देती हूँ, हैशटैग लगा के जबलपुर।
ताकि आप लोगों को सामने दिख जाए कि मैं जबलपुर से हूँ, और वो जो ऐसे लोकेशन बनाने वाला आता है वो मुझे नहीं आता है कि कैसे उसको ऐड करते हैं, तो जो मुझे आता है वो मैं करती चलती हूँ, जब वो आ जाएगा तो फिर मैं हमेशा लोकेशन जो है डाल दिया करूँगी। और मैं जो है मैं अपना इंट्रोडक्शन मैं एक बार रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, जब मैंने शुरू शुरू में व्लॉगिंग 2 साल पहले शुरू की थी और मुझे ठीक से ये भी समझ नहीं आता था कि लैंडस्केप क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है, मुझे ये सब कुछ नहीं आता था। तब मैंने जो है जैसे ही हुआ कैमरा ऑन किया, लाइटें लगाई और नमस्कार करके अपना इंट्रोडक्शन जो है शूट किया था। आज मुझे देख के उसे भी बहुत फनी फनी सी फीलिंग आती है कि पहले सीखना चाहिए, लेकिन ठीक है, करते करते ही तो आपको आएगा ना। तो मेरा इंट्रोडक्शन मैं इन शॉर्ट में बता देनी, उस वीडियो में तो मैंने पूरा डिटेल बताया कि मैंने कहाँ से पढ़ाई की है, मैंने क्या क्या किया है, हालांकि मेरी पढ़ाई से रिलेटेड मेरा एक भी काम नहीं है, फिर भी मैं इन शॉर्ट यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ। मेरा नाम है अंकिता आचार्य और मैं बनारस से पढ़ी हूँ, BHU से पढ़ी हूँ। मैंने अपनी PhD लिंग्विस्टिक्स में लखनऊ यूनिवर्सिटी से की है और मेरा जन्म भी बनारस में हुआ है, लेकिन मैं 12th तक जो है मध्य प्रदेश में रही हूँ, गाडरवारा में हमारा पैतृक मकान है, मम्मी पापा हमारे वहीं रहते हैं, तो हम तीनों भाई बहन यहीं रहे हैं। लेकिन उसके बाद इंटर करने के बाद हम लोग जो है तीनों के तीनों बनारस पहुँचे अपनी रिलेटिव्स के पास, हम लोग अपनी बुआओं के पास रह के पले बड़े हैं, और वहीं पे रह के हमने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर एक पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हिंदी में, एक लिंग्विस्टिक्स में, और फिर उसके बाद मैंने जो है अपनी PhD कंप्लीट की है 2013 में ही मेरी शादी हुई थी और 14 में मेरी थीसिस सबमिट हुई थी और तुरंत के तुरंत वाइवा भी हो गया था। तो मैंने ओवरऑल मेरी जो एजुकेशन है 2014 तक सबमिट गई थी दोस्तों, और उस बीच मैंने जो है मैसूर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस में वहाँ पे काम किया है लैंग्वेजेस का, मैंने CTEC में काम किया है, मैंने कलकत्ता जो है क्या नाम था जी उसका एशियाटिक सोसाइटी वहाँ पे भी फोकलोर पे काम किया है, मतलब ऐसे चिटपुट काम मैंने बहुत किए हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पे मैंने काम किया है, वहाँ पे तो हर लैंग्वेज में, बंगला में, पंजाबी में, मराठी में, गुजराती में, हिंदी में, सब में उस डिक्शनरी को बनाया गया है, तो उसमें हम लोग शामिल थे। तो एक आदमी डिक्शनरी नहीं बनाता है, बहुत बड़ा ग्रुप जो है लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट और लिंग्विस्ट का बहुत बड़ा ग्रुप लगता है उसे बनाने में, अंजाम देने में। तो ये सारा काम मैंने किया है, थोड़ा बहुत काम मैंने IIT BHU में भी किया था, लेकिन मैंने उसे कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था, और आप कहीं भी ऑनलाइन काम करें आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, मेंटली प्रेशर बहुत होता है, आपको टाइम टू टाइम फाइल वहाँ सबमिट करनी होती है, फिर उसमें कुछ गलती होती है तो फिर से आपको उसे सुधारना है, लाइट है कि नहीं है, इंटरनेट है कि नहीं है, आपका बच्चा रो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो मैंने उसे जो है रिजेक्ट कर दिया, मैंने उसे वहीं पे छोड़ दिया, और मेरा 2013 में ही मेरा राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हिंदी एक्सपर्ट के रूप में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मुझे वहाँ जाना पड़ता अपने पूरे परिवार को छोड़ के, फिर मेरे हस्बैंड अलग जॉब करते हैं और तब तो मैं अकेली थी, उत्कर्ष भी नहीं थे, तो मैं बहुत उसमें पड़ गई थी कि क्या करना है, ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। तो नौकरी मेरी ना शुरू से लिस्ट में नहीं थी, मैं कभी भी नौकरी नहीं करना चाहती थी, तो मैंने वहाँ बस वो आ गया और मैंने उसे देख लिया कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया, बस इतना ही मेरे लिए बहुत है। मुझे लगा कि चलो मैं एलिजिबल हूँ, पढ़ाई लिखाई मेरी जो है वो काम आई, बस इससे ज़्यादा मेरी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है ही नहीं अपने आप से। मुझे कई बार थोड़ा सा घर वाले ताना देते हैं, मेरी दीदी वगैरह, जीजाजी वगैरह, कि इतना पढ़ी लिखी हो, क्या कर रही हो घर बैठ के, क्या है तुम्हारा। तो मैं बोलती हूँ कि मैं संतुष्ट हूँ ना, क्योंकि मैंने अपनी दीदियों को देखा है 4 o'clock वो जो है बनारस से जौनपुर बाई कार जा रही हैं, बच्चे 4 बजे से सुबह से छूटे हुए हैं तो शाम को 7 बजे मम्मी के दर्शन हो रहे हैं, वो भी इतनी थकी लौटती थी। और इस तरह की नौकरी मैं कभी नहीं करना चाहती थी जिसमें मेरे बच्चे को कोई और पाले या मुझे 2-4 हेल्पर्स रखने पड़े, उससे बेहतर है मुझे लगता है कि अगर आपको बहुत अर्जेंसी ना हो तो फिर आप अपने घर को ही टाइम दीजिए। इन फ्यूचर इतने सारे स्कोप हैं, अगर आपके पास नॉलेज है, इतने सारे स्कोप हैं, तो आप इन फ्यूचर भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। एज तो एक बार है, और जब गवर्नमेंट जॉब और इन सब जॉब्स के लिए एज बार होती है, मगर आज मैं अपना यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, जैसा भी चल रहा है, चल तो रहा है ना, हो सकता है इन फ्यूचर जब उत्कर्ष जो है 15 साल 16 साल के हो जाएं, अपनी स्टडी में ज्यादा से ज्यादा मगन हो जाएं, तो मैं भी पूरी तरह से इसमें शामिल हो जाऊं और नई नई चीजें सीखूं, लोगों को सिखाऊं। किसी चीज का कोई भरोसा नहीं है, पर मुझे अपने आप पे भरोसा है कि मुझे क्या चीज करना है निश्चित है, क्या नहीं करना है ये भी निश्चित है। लाख लोग ताना देते, कभी कभी इसके पापा भी बोलते हैं कि यार मैंने तो पढ़ी लिखी सोच देख के तुमसे शादी की थी, तुम्हारा तो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, कभी तुम नहीं चाहती हो, वो मुझे यहाँ जबलपुर यूनिवर्सिटी ले गए, वहां पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, उन्होंने कहा इनको ज्वाइन कर लो। मैंने
भर दिया एग्जाम सब चीजों का दिया, लेकिन ज्वाइन मैंने कहीं नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं करना था। और मैं उनसे हमेशा से बोलती हूँ कि ठीक है अभी जरूरत नहीं है, इन फ्यूचर अगर होगी तो फिर मैं वैसे मेहनत करूंगी ना, आखिर इन सब चीजों में मैं एफर्ट डाल रही हूँ, तो जब मुझे उसकी जरूरत होगी, मुझे करना है, अंदर से इच्छा होगी, तो मैं सारा मन उसमें लगा दूंगी, फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। किसी भी चीज को करने के लिए पूरा दिल से लगना बहुत जरूरी होता है। तो यही था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन जो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है आज, जो लोग नए हैं उनके लिए। और बहुत ज़्यादा डिटेल मैं देना भी नहीं चाहती हूँ क्योंकि भाई बहुत ईमानदारी से बता रही हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई गुण नहीं है दोस्तों। मैंने कोई कुकिंग क्लास वगैरह नहीं किया, देख देख के सीखा है, उसमें भी चेंजेस अपने हिसाब से अपने स्वास्थ्य के हिसाब से हमें करने ही होते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट भी बहुत रेयर मैं करती हूँ, और करती हूँ तो अच्छा करती हूँ, और लेकिन हर चीज़ में तो देखो बहुत लगना पड़ता है ना, तो जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है वो चीज़ मैं कभी नहीं करती हूँ। इवन कई सारे ऐसे बीच में प्रोजेक्ट चले थे, पेपर वर्क वगैरह, तो मैंने अपनी भांजी को करते देखा और मैंने तो उसे सलाम किया कि भैया इतना समय वो बच्ची लगाती है एक क्राफ्ट के लिए, इतना पेशेंस तो मेरे अंदर है ही नहीं, तो मैं वही काम कर सकती हूँ जल्दी जल्दी हो जाए और अच्छा हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि आप लोग तो वैसे भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन किसी किसी दिन मैं अपने ब्लॉग से ना संतुष्ट नहीं होती हूँ। मदर्स डे के दिन वाला ब्लॉग, मतलब मदर्स डे सेलिब्रेट करने के बाद वाला ब्लॉग नहीं, उस दिन वाला ब्लॉग जो है मैंने जो डाला था, अपलोड किया था सुबह सुबह, समहाउ उस ब्लॉग को मैं इंजॉय नहीं कर पा रही थी, तो मुझे कहीं ना कहीं उसमें कमी नजर आ रही थी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बहुत हड़बड़ी में कोई चीज़ कर जाती हूँ जो मुझे भी मालूम है कि यार उतनी अच्छी नहीं हुई है, लेकिन चलो ठीक है, हमेशा हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती है, इस बात को मैं मानती हूँ, लेकिन परफेक्ट करने की कोशिश जो है हमेशा होनी चाहिए। अगर मुझे एक दिन लगता है कि ये चीज़ मैंने ठीक नहीं की है, तो मैं अगले दिन उसे सुधारने की कोशिश करती हूँ। आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं बैठे बैठे सिर्फ अपनी तारीफ कर रही हूँ? मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अरे भैया कितना अपने मुंह मियां मिट्ठू बनोगे भाई, बस करो बस करो। तो बस करती हूँ मैं, मेरा बस इतना ही सा इंट्रोडक्शन था। अभी हाल फिलहाल मैं जबलपुर में रह रही हूँ, मेरे हस्बैंड, मेरा पूरा परिवार है यहाँ पे, हम लोग सम्मिलित परिवार में रहते हैं। और मैं ये नहीं कहूंगी कि ओ बड़ा अच्छा परिवार है, हम लोग तो बहुत मिल के रहते हैं, हम लोग ना सुबह से शाम झगड़ते भी रहते हैं लेकिन खुश रहते हैं। कभी कोई रूठता है, कभी कोई मनाता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, मतलब रात गई बात गई और फिर नए दिन से नए दिन की शुरुआत शुरू हो जाती है, तो ओवरऑल एंजॉय करते हैं हम लोग। और दोस्तों एक सॉन्ग जो है मैं रिकॉर्ड करने वाली हूँ, मैं उसके लिए एक बहुत अच्छी सी म्यूजिक जिसमें कॉपीराइट ना आए मैं ढूंढ रही हूँ, जैसे ही मुझे मिलेगी मैं ये वाला सॉन्ग रिकॉर्ड करूंगी, दो लाइन आज आप लोगों को सुनाती हूँ, ठीक है? तो सुनिएगा और बताइएगा कि कैसा है। सुना सुना मन का है कोना, सुना सुना तेरे बिना होना, हर कहीं पर तू है तू नहीं पर, तू है ओ बेखबर, तू है ओ हम सफर, इतना तो बता, मौसमों की तरह तू बदल सा गया क्यों है, हर जगह आज कल क्यों है, तू ही तू हर जगह आज कल क्यों है, रास्ते हर दफा सिर्फ तेरा पता, मुझसे पूछे भला क्यों है। सो दोस्तों इसी गाने बजाने के साथ मैं आज अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, आप लोगों से लेती हूँ विदा और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट करते रहिएगा। दोस्तों आप लोग तो देख ही रहे हैं उत्साह चरम पे है, दोस्तों चरम पे है, इसे कम मत होने दीजिएगा प्लीज। बस लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करते रहिएगा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।